वीडियो। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ जो कि है हमारे पास व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड। सबसे बेसिक जो भी लोग यहाँ पे बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली है वीडियो, क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ कि म्यूचुअल फंड आखिर में है क्या। यहाँ पे बिगिनर के लिए बहुत ही ईजी रहने वाला है कैसे कैसे यहाँ पे अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं अपने म्यूचुअल फंड की जर्नी, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल के नाम से अगर आपको बताऊं तो ये म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो म्यूचुअल एक कॉमन वर्ड है जहां से आपको कॉमन लाइक सबका, मतलब म्यूचुअल मतलब सबका, सबका फंड्स का मतलब क्या होता है, पैसे। तो सबके म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे मेनली जो सिंपल सी बात में अगर मैं कहूँ तो सबके पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, उसका फंड बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM का नाम देते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। एंड यहाँ पे आपके सभी के कॉमन म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे फंड्स लिए जाते हैं, इसको म्यूचुअली इकट्ठा किया जाता है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बिल्कुल जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आ पाए। लोग पैसा अपना इन्वेस्ट क्यों करते हैं, इसीलिए ना, क्योंकि हमारे पास ज्यादा रिटर्न आए। तो रिटर्न कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा कि हमने कहां पे कंपनी यहां पे हमारी इन्वेस्ट कर रही है, तो वो बताने के लिए हमारे पास यहां पे होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर्स। तो यहां पे म्यूचुअल फंड्स के पास काफी सारे बिल्कुल स्किल्ड फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं, काफी सारे फाइनेंशियल मैनेजर्स हमारे पास यहां पे अवेलेबल होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कहां कहां यहां पे अपना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा यहां पे इन्वेस्ट का अमाउंट आ जाए जो कि हमारे पास रिटर्न होता है। सो गाइज, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स के काफी सारे टाइप्स हैं हमारे पास। तीन टाइप्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि हम बताते हैं। फर्स्ट वाला जो होता है हमारे पास इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर मैं बताऊं तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा यहाँ पे काफी सारी बहुत ही बढ़िया कंपनी में इन्वेस्ट हो तो आप यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है डेट म्यूचुअल फंड। तो डेट म्यूचुअल फंड में हमारे पास काफी सारे बॉन्ड्स वगैरह आ जाते हैं जो कि फाइनेंस यहाँ पे इश्यू करती है गवर्नमेंट। यहाँ पे आपका अगर मैं बात करूँ रिस्क के बारे में तो रिस्क और रिटर्न यहाँ पे काफी ज्यादा कम रहता है हमारे पास इक्विटी से। एंड यहाँ पे आप यहाँ पे शेयर मतलब कर सकते हैं, अगर आपको डेट या वगैरह में करना होता है तो आप डेट में कर सकते हैं। अगर थर्ड तरीके की बात करें तो हाइब्रिड का मतलब होता है दोनों को जोड़ के। तो इक्विटी और डेट में यहाँ पे दोनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे डेट में, और जैसे कुछ किसी ने करना हो, अगर आपको चाहते हो कि आपके कंपनीज में भी शेयर हो और कुछ शेयर हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट वाले पे भी हो, तो वो यहाँ पे आपका दोनों साथ में हो जाता है, तो वो होते हैं हमारे पास हाइब्रिड। यहाँ पे तो हाइब्रिड में, यहाँ पे रिस्क और रिटर्न के बारे में बात करूं तो रिस्क और रिटर्न हाइब्रिड में काफी ज्यादा कम रहता है, इक्विटी शेयर्स और डेट वाले से ज्यादा रहता है। तो ये था हमारे पास टाइप्स के बारे में। सो गाइस, अगर हम अब बात करें बेनिफिट्स के बारे में कि म्यूचुअल फंड्स के हमारे पास बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे रिस्क और रिटर्न, रिटर्न हमेशा ज्यादा ही रहेगा और रिस्क हमेशा कम रहेगा बाकी सारे इन्वेस्टिंग ऐप से। तो अगर मैं बताऊं तो म्यूचुअल फंड्स में आपके यहाँ पे फंड मैनेजर, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि फंड मैनेजर्स होते हैं, तो उनके पास काफी ज्यादा यहाँ पे नॉलेज होती है कि वो हमें अपने रिस्क से बचा पाए, कि जो हमारे पास पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न ज्यादा से ज्यादा आ पाए। तो यहाँ पे इसका बेनिफिट बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे आपको नॉलेज के लिए काफी सारे फंड मैनेजर्स भी मिल जाते हैं। तो ये थे हमारे पास इसके सारे बेनिफिट्स, और ये थी हमारे पास पूरी वीडियो म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो कि बेसिक नॉलेज मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताई कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एसेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से होते हैं, एंड यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इसी तरह की सारी वीडियो जानने के लिए आप मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ जो कि है हमारे पास व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड। सबसे बेसिक जो भी लोग यहाँ पे बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली है वीडियो, क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ कि म्यूचुअल फंड आखिर में है क्या। यहाँ पे बिगिनर के लिए बहुत ही ईजी रहने वाला है कैसे कैसे यहाँ पे अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं अपने म्यूचुअल फंड की जर्नी, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल के नाम से अगर आपको बताऊं तो ये म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो म्यूचुअल एक कॉमन वर्ड है जहां से आपको कॉमन लाइक सबका, मतलब म्यूचुअल मतलब सबका, सबका फंड्स का मतलब क्या होता है, पैसे। तो सबके म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे मेनली जो सिंपल सी बात में अगर मैं कहूँ तो सबके पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, उसका फंड बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM का नाम देते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। एंड यहाँ पे आपके सभी के कॉमन म्यूचुअल फंड यहाँ पे फंड लिए जाते हैं, इसको म्यूचुअली इकट्ठा किया जाता है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बिल्कुल जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आ पाए। लोग पैसा अपना इन्वेस्ट क्यों करते हैं, इसीलिए ना, क्योंकि हमारे पास ज्यादा रिटर्न आए। तो रिटर्न कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा कि हमने कहां पे कंपनी यहां पे हमारी इन्वेस्ट कर रही है, तो वो बताने के लिए हमारे पास यहां पे होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर्स। तो यहां पे म्यूचुअल फंड्स के पास काफी सारे बिल्कुल स्किल्ड फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं, काफी सारे फाइनेंशियल मैनेजर्स हमारे पास यहां पे अवेलेबल होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कहां कहां यहां पे अपना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा यहां पे इन्वेस्ट का अमाउंट आ जाए जो कि हमारे पास रिटर्न होता है।
सो गाइज अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स के काफी सारे टाइप्स हैं हमारे पास, तीन टाइप्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि हम बताते हैं। फर्स्ट वाला जो होता है हमारे पास इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर मैं बताऊं तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा यहाँ पे काफी सारी बहुत ही बढ़िया कंपनी में इन्वेस्ट हो तो आप यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है डेट म्यूचुअल फंड। तो डेट म्यूचुअल फंड में हमारे पास काफी सारे बॉन्ड्स वगैरह आ जाते हैं जो कि फाइनेंस यहाँ पे इश्यू करती है गवर्नमेंट। यहाँ पे आपका अगर मैं बात करूँ रिस्क के बारे में, तो रिस्क और रिटर्न यहाँ पे